काफी अच्छे शॉट मंजित भाई द्वारा। बहुत ही हार्दिक अभिवादन आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती खेल के मानचित्र पे इस आयोजन ने एक नया आयाम स्थापित किया है। इसी बीच इस समय माननीय अतिथि का मानो अभिवादन किया हो। चार रन के लिए इस समय लॉन्ग ऑन की दिशा से अटाल वर्सेज टुंगरा। जी भाई साहब, विकास भाई हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि अनिल शर्मा के जौनसार बावर के मठियाना गाँव के आप रहने वाले हैं और विकास नगर परिक्षेत्र के सफल व्यवसायी हैं। आपका आगमन हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है। एक बार पुनः शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। वाकई में सम्माननीय अनिल शर्मा साहब का आगमन युवाओं के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और आपने अपनी उपस्थिति अपनी आमद व्यक्त करके आयोजन समिति का अभिमान बढ़ाया है। आपने सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभिराज सिंह चौहान जी, हमारे रोहित चौहान जी, सतपाल भाई साहब और पूरी टीम, टिकम सिंह चौहान जी, फिलहाल सभी स्कोर बोर्ड पे नजर डाले। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, जबरदस्त ये मुकाबला, 6 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पे मुकाबला है, टुंगरा वर्सेज हटाल आमने सामने, और नो बॉल का इशारा अंपायर राजेश तोमर जी का। ढलती शाम के बीच ये आयोजन अपनी एक रोमांचक क्षणों में बहुत ही जबरदस्त माहौल इस समय खेल के लिए, और ये मंच, ये फलक, ये कारवां नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभिराज चौहान जी और पूरी युवा टीम ने जो दी है। आज विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल शर्मा जी के साथ नरेश डोवाल जी जो जौनसार बावर के कुन्ना गांव के रहने वाले, और श्री अनिल शर्मा जी मटियाना और श्री सुरेंद्र जोशी जी दुइना। आप सभी को पूरी टीम के साथ रहना था परंतु कहीं व्यस्तता के कारण आप समय नहीं दे पाए। फिर भी यह समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी कि आपके टीम से जो कुशल नेतृत्व करने वाले हैं श्रीमान अनिल शर्मा जी, आपका आगमन हुआ है तो आपके आगमन से आपकी पूरी टीम का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाकई में बहुत खुशी की बात है इस मंच के लिए भी कि अलग अलग विधा के व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ते हैं। आयोजन और ऊंचाई और आकार लिया करता है। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर डाले, 8 रन पारी के इस पर पहले ओवर का खेल जारी था और बहुत रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है। दोनों जबरदस्त टीमें हैं, टीम हटाल और टुंगरा। मंजीत और साथ में प्रवेश, देखना होगा। पूरी समर्पण नजर आती हुई इससे दोनों टीमों के दरमियान, यही वो खेल आयोजन है जो सबको एक मंच पे जोड़ने का कार्य करता है और एक कुशल नेतृत्व देखने को मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभिराज चौहान जी और पूरी टीम ने प्रशंसनीय भूमिका अदा की है। यकीन तौर पे इस क्षेत्र जौनसार बावर क्षेत्र का रोशन हुआ है नाम। स्कोरबोर्ड पे पहले ओवर से 10 रन, 3-3 ओवर का निर्धारित मुकाबला, पहले ओवर में 10 रन बना लिए हैं। पहले खेल रही है टीम हटाल, मंजीत और साथी बल्लेबाज लगातार प्रयासरत बड़े हिट के लिए। इस बार लोवर फुल टॉस खेला मिड विकेट की तरफ, देखना होगा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए, फील्ड किया उन्होंने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की चाल, बाज की नजर और दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट पे कोई शक नहीं। फिलहाल इस समय स्कोरबोर्ड पे 12 रन, जबरदस्त माहौल इस समय। खिलाड़ी थोड़े से अनबैलेंस हुए लेकिन खेला जब तक गेंद फील्ड की जाए दोबारा इस समय बहुत ही फुर्ती, गति, बिजली की मानिंद, एक्स्ट्रा कवर से जब गेंद फील्ड की जाए 2 रन मुकम्मल कर लिए। शुरुआती दोनों गेंदों में 2-2 रन आए हैं। स्कोर पहुंचा इस समय 14 पे।
इस बार फ्रंट फुट पे आगे आकर के खेला, पूरा समर्पण देखिए। दोनों टीमों का दूसरे के लिए जाना चाहते थे, बढ़िया निर्णय था। तेज तर्रार थ्रो इस समय वाइड इस लॉन्ग ऑन से एक रन आता हुआ, इस एक रन के सहारे स्कोर पहुंचा 15 रन पे। बहुत ही जबरदस्त मैच ये माननीय श्री अनिल शर्मा जी मैच का आनंद लेते हुए, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे जाने माने व्यवसायी और इस क्षेत्र का जोनसार बाबर क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं आप। इस बार छोटी गेंद पुल किया, टॉपर्स लगा है, खिलाड़ी मुसोर आते हुए शानदार कैच लिया वहां पे और इसी के साथ कामयाबी। मेजर और यशस्वी ग्राम प्रधान बदामा वाला वाइड का इशारा। इसी बीच ऑफिसम से काफी ज्यादा बाहर गेंद, स्कोर पहुंचा इसे एक अतिरिक्त रन के सहारे इस समय 21 पे 21 रन पारी के तीसरे ओवर में। हटाल का स्कोर, बढ़िया गेंद मेजर रावत की। कई बार हम सेना में बहुत ऊंचे पद अर्जित करते हैं तब मेजर शब्द मिलता है, लेकिन इन्हें बचपन से घर वालों ने मेजर नाम दिया है, यह भी गौरव की बात है। मेजर रावत एक बार फिर से हवा में गेंद, देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार खेल देखने को मिलता हुआ। जयवीर तोमर, नवीन सिंह चौहान, अमन राणा हमारे टीम के बहुत ही सक्रिय सदस्य। स्कोर इस समय आगे बढ़ता हुआ 22 पे और हमारे स्कोरर राहुल नेगी इस समय। मैं आपके साथ विकास की आवाज रेडियो और टेलीविजन पे भी लगातार आप सुन चुके हैं, कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी। स्कोर पहुंचा इस समय 22 रन, मिड विकेट की तरफ कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 26 रन स्कोर बोर्ड पे इस बाउंड्री के सहारे। तो लीजिए, जितने ही सुंदर इस मैच का आयोजन उतने ही शब्दों की रंगारंग प्रस्तुति में रंगे ये श्रोतागण, रंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास विकास कुमार जी हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर एवं एंकर ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, इनके श्रीमुख में निश्चित रूप से सरस्वती जी का वास है और इस समय मंच पर विराजमान है इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल शर्मा जी, जो मठियाना गांव से हैं, जौनसार बावर के मठियाना गांव से आप बिलोंग करते हैं और इनके साथ आज पूरी टीम का रहना था, जिसमें श्री नरेश डोवाल जी जो जौनसार बावर के कुना गांव से हैं, श्रीमान सुरेश जोशी जी जो नागथात के दुईना गांव से बिलोंग करते हैं, परंतु आप लोगों की व्यस्तता अधिक रहती है, शायद इसलिए समय के अभाव के कारण आप समय नहीं निकाल पाए, परंतु अनिल शर्मा जी के आगमन से पूरी टीम का आगमन हमारे लिए सुखदायी है और हम समझेंगे कि मान्यवर आपके आगमन से आपकी पूरी टीम का आगमन हुआ है। एक बार पुनः इस आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत आभार माननीय सतपाल भाई साहब, बहुत ही कुशल संचालन आप देखिए, जिनसे हमें बहुत कुछ इस आयोजन में सीखने का भी। फिलहाल चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 28 रनों की। टुंगरा को 28 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, निर्धारित 18 गेंदों में 28 की दरकार। जबरदस्त ये माहौल खेल के लिए ये कारवा दिया है सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रधान बदामा वाला और युवा नेतृत्व के मालिक, साथ में अभिराज सिंह चौहान जी हमारे आयोजन अध्यक्ष, सम्माननीय उपाध्यक्ष रोहित सिंह चौहान जी, पूरी टीम टीकम सिंह चौहान जी और सभी अपने गणमान्य अतिथियों का और दर्शकों का सबसे ज्यादा अभिवादन, जिन्होंने इस आयोजन का गौरव बढ़ाया है। बॉलिंग की कमान सचिन हटाल आए हैं, जाना पहचाना नाम है इस क्षेत्र में गेंदबाजी में, देहरादून पूरे क्षेत्र में सचिन हटाल। देखना होगा किस तरीके से बॉलिंग करते हैं पहले ओवर में। 18 गेंदे 28 रन, बहुत जबरदस्त मैच ये, और वाकई में पूरी टीम बधाई के पात्र इस आयोजन में। जो साथ मिला है नरेंद्र भाई साहब के साथ, सतपाल जी का सम्माननीय नवीन चौहान, जयवीर तोमर जी, और बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए आखिरी 18 गेंदों में 28। सतपाल भाई साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, उनका हार्दिक अभिवादन। देखना होगा इस समय किस तरीके से यहां से शुरुआत करते हैं दोनों बल्लेबाज, बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके शुरुआत के ऊपर। 28 रन बनाने हैं, 27 बनाए पहले खेलते हुए। आशीष और योगेंद्र बारी की शुरुआत करने आए हैं, देखना होगा इस समय बहुत कुछ निर्भर करेगा संक्षिप्त फॉर्मेट का यह खेल। पहली गेंद पे बड़े हिट के लिए गए खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग से, जब तक आए रनआउट की गुंजाइश यहां पे, लेकिन एक रन आता हुआ इस समय। एक रन स्कोर बोर्ड पे पारी के समय, पहले ओवर का खेल जारी। चुनौती है मैच को जीतने के लिए 28 रनों की, स्मरण रहे आप सभी को माननीय अनिल शर्मा जी इस क्षेत्र के जाने माने व्यवसायी का आगमन है, मुख्य मंच सुशोभित होता हुआ उनकी मौजूदगी में। फिलहाल गेंद इस समय लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हवा में लहराई, रनिंग कैच अमूमन आसान होती नहीं, इतने लॉन्ग ऑन पे थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ गए ऑफ साइड में, शानदार पूर्वानुमान, शरीर का संतुलन देखने लायक, गेंद पे निगाहें बनाए रखी और बढ़िया तरीके से गेंद के नीचे आए और ये कैच लिया, बहुत ही जबरदस्त कैच ही सब है, विकेट मिला है। फील्डर का नाम बताएं जिन्होंने ये कैच लिया, महावीर, ये नाम में ही कुछ ऐसा है,
सतपाल भाई साहब जरूर सहमति रखेंगे इस बात से, महावीर जहां भी होते हैं वाकई में ऐसे मुश्किलों को आसान कर दिया करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मैच ये हटाल वर्सेज टुंगड़ा आपने सामने। हटाल ने 27 रन बनाए थे, 28 रनों की चुनौती दी है टुंगड़ा को और स्कोर पहुंचा इस समय 2 रन इस समय पारी के पहले ओवर से। ढलती शाम के बीच आयोजन, लो ट्रेजेक्ट्री की गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड की गई, एक रन के लिए बल्लेबाज ने खेला एक्स्ट्रा कवर में। इस एक रन के सहारे 3 रन स्कोर बोर्ड पे। कल सुबह 8:30 बजे से मुकाबले शुरू हो जाएंगे, देखना होगा एक बार फिर से। सचिन अठाल बॉलिंग कमान पे, एक जाना पहचाना नाम है इस क्षेत्र का। और इसी बीच इस समय एक और वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पहुंचा 4 रन पे। खेला इस बार गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर में, सिंगल आता हुआ। सिंगल से परेशानी नहीं होगी बॉलिंग टीम में, हटाल को परेशानी होगी बाउंड्री से, परेशानी होगी 2 या 3 रनों से। देखना होगा आगे की गेंद इस समय। खेला इस समय ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। अगले ओवर की कमान अंकुश लेकर आएंगे, 28 रन की चुनौती है। स्कोर बोर्ड पे नजर डालेंगे हम, 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, अब 22 रन चाहिए आखिरी 12 गेंदों में। जबरदस्त मुकाबला, एक एक गेंदों से मुकाबले की दशा दिशा दोनों निर्धारित हो रही है। तप्पड़ ग्राउंड बुलाकीवाला विकासनगर जिला देहरादून उत्तराखंड देवभूमि की यह शानदार मेजबानी, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फिलहाल 7 रन इस एक रन के सहारे। ग्यारह गेंदों में 21 रन चाहिए। टॉपेश लगा बल्ले का, ठीक तरीके से आई नहीं थी बल्ले पे गेंद, लगातार अनुशासित गेंदबाजी, स्कोर पहुंचा इस समय 8 रन दरकार। अब आखिरी 10 गेंदों में 20 रन की, आखिरी 10 गेंदे आनी बाकी, 20 रन की जरूरत टीम में टुंगरा को। हवा में उस और इस समय देखना होगा, खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे, आकाश में पक्षियों का दल कलरव करता हुआ अपनी आशियाने की तरफ। ये शाम ढलने वाली है और आज सुबह से ही मुकाबले लगातार संचालित हो रहे हैं। तीसरा दिन, बैटिंग करना ऐसे लम्हों में आसान होगा नहीं, देखना होगा इस समय गेंद जब तक फील्ड की जाए निकले दूसरे रन के लिए। स्कोर बोर्ड पे 12 रन, आखिरी 8 गेंदों में 16 रन की जरूरत टीम टुंगरा को, 8 गेंदे आनी बाकी, 16 की दरकार। देखना होगा इस समय टुंगरा जीतेगी या हटाल, दो नामचीन टीम है इस क्षेत्र की। खेला इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन पूरे किए, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन खिलाड़ी को झपट्टा मारते देखा तो अपनी इरादों को तब्दील किए। 7 गेंदे आनी बाकी और 15 रन की जरूरत इस समय। ये शॉट जिसकी दरकार थी लेकिन सीधे हाथों में, एक वक्त लगा कि शायद बाउंड्री लाइन के रोप्स को क्लियर कर पाएंगे, कैच कर लिए गए। फील्डिंग बड़ी आला दर्जे की है इस टीम के पास, क्योंकि हटाल टीम एक भी मौके को गंवा।
जबरदस्त रोमांच से ओत प्रोत कर देने वाला है। आखिरी 6 घंटे 15 की जरूरत। हवा में गेंद लहराई है, आसान सा कैच, फील्डिंग का स्तर इस टीम का बहुत आला दर्जे का, उच्च स्तरीय। पांच गेंदों में 15 की जरूरत, बहुत मुश्किल कार्य बैटिंग टीम में टुंगरा के लिए। फिलहाल रन जरूर आता हुआ इस समय। 4 गेंदों में 13 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए टुंगरा को। मुश्किल कार्य यकीन तौर पे यहां से, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसे मुकाबले भी हमने तब्दील होते हुए देखे हैं। 4 गेंदों में 13 की जरूरत इस समय। खेला लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन पूरे किए दूसरे रन के लिए जाते हुए। अब 3 गेंदे आनी बाकी, 12 रन बनाने हैं। 2 बड़े हिट ओवर बाउंड्री की दरकार। ढलती शाम के बीच ये मुकाबला रोमांचित करता हुआ। 3 गेंदों में 12 चाहिए टुंगरा को। जबरदस्त मैच इस समय, देखना होगा क्या टुंगरा या फिर हटाल। हटाल लगभग 90% जीत की तरफ, टुंगरा के लिए संभावनाएं इस गेंद पे। बढ़िया गेंद इस बार नहीं, वाइड का इशारा अंपायर का। 3 गेंदों में 12 चाहिए, आखिरी 3 गेंद आनी बाकी, 12 रन की जरूरत। बहुत ही जबरदस्त यह मुकाबला। हवा में गेंद देखना होगा इस समय, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। अब आखिरी गेंद तक मुकाबले का रोमांच आकर से बढ़ता हुआ। आखिरी गेंद में 7 चाहिए, करेक्ट किया हमारे स्कोरर ने। छक्का आता है तो सुपर ओवर में मुकाबला चला जाएगा, क्योंकि वाइड आई थी बीच में। देखना होगा इस समय। खेला अब लगभग जीत की तरह बढ़ गई है टीम हटाल, और यह मुकाबला हटाल ने लगभग अपनी जीत के नजदीक पहुंच गई है। आखिरी गेंद आनी बाकी इस मैच में, और 7 रन की जरूरत अभी भी। आखिरी गेंद पे 7 की दरकार। आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था एक बार जावेद मियादाद ने, लगाया यन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखना होगा यहां से क्या उस तरीके के कुछ करिश्मा हो पाएगा। आखिरी बॉल 7 रन की जरूरत। खेला हवा में जरूर लहराई वहां पे, लेकिन खिलाड़ी वो शोर है, फील्ड कर लेंगे आसानी से। मुकाबला जीत लिया है हटाल ने, बड़ी ही रोमांचक मुकाबला। कमेटी वाले सारे यहाँ आ जाएं मंच पर। हटाल मैच जीत चुके हैं, कमेटी वाले जितने भी